नमस्कार, सनमार्ग के वेब पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हैं इंडिया के टॉप मोस्ट लीडिंग यूनिवर्सिटीज में से एक AMITY यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर ध्रुव ज्योति चट्टोपाध्याय से खुद यूनिवर्सिटी के बारे में। वेलकम सर। नमस्कार जानना चाहेंगे कि अब नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट के लिए, तो बहुत सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स होंगे जो AMITY यूनिवर्सिटी में पढ़ने का भी सपना देखते हैं, अप्लाई भी करेंगे, तो सर उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में आप बताएं, यूनिवर्सिटी की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या उनको मिलेगा यहाँ पर आने से, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या उन लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी, सर थोड़ा सा अगर आप बताएं। सो AMITY यूनिवर्सिटी कोलकाता, ये तो यात्रा शुरू किया अगस्त 2015। 2 बरस 8 महीना में अभी AMITY यूनिवर्सिटी कोलकाता इतना इस्टेब्लिश हो गया, हमारे पास बहुत स्टूडेंट अभी है। अभी मेरे स्ट्रेंथ है 4000 स्टूडेंट्स। सो इतना शॉर्ट पीरियड में इतना स्टूडेंट्स, एंड क्यों ऐसा हुआ? अब AMITY यूनिवर्सिटी कोलकाता में आने के बाद आपको मालूम होगा इसी का जो एम्बियंस है, द एम्बियंस में आज पढ़ने के लिए बहुत कुछ चीज़ वेरी इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट वन, कैसे पढ़ाई लिखाई हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए कि फैकल्टी कैसे है। सो हमारे पास वो जो फैकल्टी है, ये फैकल्टी बहुत अच्छा फैकल्टी हम लोग चूज़ किया था, और वो फैकल्टी को 70% फैकल्टी हमारे PhD है, और उसी को बहुत एक्सपीरियंस है। एंड हमारे यहाँ पर जो सिलेबस पढ़ाते हैं ये इतना मॉडर्न है, ये इंडस्ट्री रिलेटेड। सो द स्टूडेंट्स जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आएगा, वो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष से उसी को मैं एक्सपोजर दे रहे हैं कैसे रिसर्च करेंगा, कैसे इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ आपको दरकार हो रहे हैं। और अभी तो विषयन के बाद है ना, एंड इसी के बाद में ये हमारे प्रति स्टूडेंट के फॉरेन लैंग्वेज जानना ज़रूरत है, उसी को कंपलसरी फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज सीखना है। सो फॉरेन लैंग्वेज सीखना, और इसी के लिए जो मेहनत उन्हें करना पड़ता है, ये उसी के ट्रेनिंग होता है, ये ट्रेनिंग उसी के फ्यूचर में बहुत काम में आएगा। सो इसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरा बात है, हम लोग यहाँ पर पढ़ने के समय हम लोग बिहेवियरल साइंस, एथिक्स, ये सब चीज़ भी एवरी स्टूडेंट उसी के पढ़ना पड़ता है। एंड नाउडेज इफ यू हैव द वैल्यूज विद यू, देन आप अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनना सकेगा। आपको जो सीनियर पीपल है, इसी के लिए आपको बहुत से आपको बहुत मानना पड़ता है, मानना करना है। जो डिसिप्लिन यहाँ पर है, वो डिसिप्लिन में क्या होता है, चाहे प्रति स्टूडेंट 75% अटेंडेंस उसी के ज़रूरत है परीक्षा देने के लिए। एंड क्लास में आएगा, 75% अटेंडेंस देगा, वहाँ पर पढ़ा लिखा होगा। सो वो स्टूडेंट के बाहर में और कोई ट्यूटोरियल में जाना नहीं पड़ेगा, प्राइवेट ट्यूशन नहीं दरकार है। सो ये सब तो आपको पॉजिटिव साइड है। अब पढ़ा लिख बात कर उसी का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारा यहाँ पर बहुत हो रहा है। हमारा शिक्षक छात्र सब कोई का एक ना एक क्लब के साथ अटैच होने पड़ता है,
वो लिटरेरी क्लब, वो म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, वो डिबेट क्लब, वो स्पोर्ट्स क्लब, जो भी हो, उसी का जो इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी क्लब, उसी का जो इंटरेस्ट है, वो क्लब को एक्टिविटीज के साथ वो करना पड़ता है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम में भी एक्टिव रखा जाता है। सर, आपने जो बताया कि ये 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो क्या इसको लेकर जैसे स्टूडेंट्स के मन में होता है कि अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में हो तो हमको थोड़ी छूट मिले, तो क्या मतलब स्टूडेंट्स का इस पर क्या उनका टेक रहता है, मतलब उनका क्या रिस्पांस रहता है इस मतलब अटेंडेंस के ऊपर सर? लेकिन स्टूडेंट्स क्यों अटेंड नहीं करेगा, इसी के हम लोग वो एनालाइज करता है। क्लास अच्छा नहीं होगा तो वो अटेंड नहीं करेगा। यहाँ पर पढ़ने के लिए उसके आनंद नहीं मिलेगा तो अटेंड नहीं करेगा। इफ क्लास भी अच्छा हो, पढ़ाई भी अच्छा हो, उसी का बहुत आनंद होता है, यहाँ पर आने के लिए अट्रैक्शन होता है, तो वो यहाँ पर आएगा। सो 75 अटेंडेंस मस्ट, इसी के लिए हम लोग को भी स्टूडेंट को कुछ देना पड़ता, उसी का इंटरेस्ट देना पड़ता। वो लोग जब नहीं आएगा वो फील करेगा, हाँ क्यों आज कॉलेज नहीं गया, का अच्छा सा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। और सर, आपने बताया जो ये फॉरेन लैंग्वेज है ये कंपलसरी है, तो क्या स्टूडेंट्स इसको थोड़ा लेकर मतलब जैसे अगर जो स्टूडेंट इस पे ना ये करना चाहें तो उनके लिए सर कुछ मतलब ऑप्शन, कुछ अलग ऑप्शन नहीं? हमारा पास उसी को तो लेना ही पड़ेगा। उसी का मन में थोड़ा से हेजिटेशन एट फर्स्ट वो रहेगा, लेकिन उसी के क्लास के आने के बाद, क्लास के अंदर में उसी के इंटरेक्शन करने के बाद वो फील करेगा क्यों ये इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल दे रहा है, वो जो स्टूडेंट फ्रेंच लैंग्वेज में, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो फ्रेंच पढ़ता है, वो लोग अभी एक महीने के जस्ट वन मंथ बिफोर वो लोग एक परफॉर्मेंस किया था, उसी में टेगोर डांस ड्रामा वो फ्रेंच लैंग्वेज में किया था। सो क्या होता है, लैंग्वेज, लैंग्वेज के एप्लीकेशन और लैंग्वेज कैसे माफी इंटरप्रिटेशन करना पड़ता, ये सब कोई हम लोग स्टूडेंट के सामने में इफ़ यू एक्सपोज देम टू दैट दे विल फील इंटरेस्ट, एंड इफ दे डोंट फील इंटरेस्ट there are always a percentage कोई कोई students के तो अच्छे नहीं लगता है, लेकिन rest of the students if they are interested then वो लोग को भी मानना पड़ता है। सर, टाइम बदल रहा है, बहुत तेज़ी से बदल रहा है सर, तो एजुकेशन सिस्टम में आप क्या बदलाव देख रहे हैं, क्या मतलब चेंजेस आ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? चेंजेस, दो चेंजेस वेरी इंपॉर्टेंट है। एक, आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में सिलेबस डिज़ाइन के टाइम में आपको ध्यान देना पड़ता, और दूसरा जो कैसे जो स्टूडेंट बाहर आता है यहाँ से आफ्टर कंप्लीशन, कैसे उसी को कोई काम मिलता है, और काम मिलने के लिए उसी के इंडस्ट्री रेडी करना पड़ता है। सो आवर स्पेशल ट्रेनिंग we used to give it for them for grooming, for industrial training, for their language skill, we give all the students special grooming for that. So ye dono cheez bahut important hai aapko syllabus karne ke time mein. The syllabus should be a flexible one, students should understand ye 50 baras ke purane syllabus aur ye modern syllabus hai, ye to bahut important hai, and उसी को इम्प्लीमेंट करना हमारे पास वन ऑफ द चैलेंज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होने वाला था कि मतलब यहाँ पे कोलकाता में आप किस तरह का मतलब 2015 में यहाँ पे आपने इसका शुरुआत हुआ यूनिवर्सिटी का, कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किया मतलब यहाँ पर? एक, जब ये स्टार्ट किया था, पेरेंट्स के, देर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स उसी के आइडिया में था, ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या पैसे देकर पढ़ाना चाहता है, सो बहुत रिलैक्सेशन होगा। लेकिन वो जब यहाँ पर आया, देखा ना
कोई रिलैक्सेशन नहीं, इसके बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता. सो दैट्स अ चैलेंज फॉर देम. दे थॉट ओ माय गुडनेस, आई एम गिविंग मनी टू यू, नाउ माय किड इज गोइंग टू डू एनीथिंग. दैट्स नॉट पॉसिबल. सो वी हैव टू एस्टैब्लिश जो डिसिप्लिन है हमारे यूनिवर्सिटी के, उसी से हम लोग कभी अलग कोई स्टूडेंट के लिए अलग नहीं ट्रीटमेंट होगा, सब कोई के लिए सेम है. सो इफ दे डोंट, इफ दे कैनॉट एकोमोडेट दैट, छोड़ दीजिए. हम लोग को इससे माफी स्टूडेंट, इससे माफी पेरेंट्स नहीं दरकार है. सर फीजन क्या है, मतलब एमिटी यूनिवर्सिटी का यहाँ कोलकाता का? एमिटी यूनिवर्सिटी की फीस ज़्यादा नहीं है. हमारा जहाँ ग्रेजुएट प्रोग्राम है वहाँ पर तो बहुत से कम फीस है. वह फीस रेंज 6,000 रुपीस पर मंथ लाइक दैट होते हैं. इंजीनियरिंग में फीस हायर है, बट हमारे तो गवर्नमेंट से प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए फीस तो फिक्स कर दीजिए. सो we cannot take more than that. So it's a fees which government is recommending, we are going to take that one with some other facilities given to them. Lekin hamari yahan par bahut modern library hai. A library mein jaane ke baad hum log ko samajh mein aata hai kyu library jayenge, tab books and other things are there, they will not feel like that. But hamare library itna decorated hai, it's an open library. Yahan par वो लोग डिबेट करना सकता, यहाँ पर जो यहाँ पर जो इंटरनेट एंड अदर थिंग्स आर देयर, दे कैन डायरेक्टली लर्न फ्रॉम यूट्यूब्स एंड अदर मीडिया थिंग्स. दे वी हैव द प्रोजेक्शन सिस्टम ओवर देयर सो दैट दे कैन डिस्कस ऑन दैट. सो ये सब कुछ इतना अट्रैक्टिव होता है, स्टूडेंट लोग फील करता है हम लोग लाइब्रेरी जाएगा. सो हमारे लिए इसी वक्त मोस्ट चैलेंज है. अभी जो 2015-2020 के जो स्टूडेंट आ रहे हैं, इसी का माइंडसेट डिफरेंट है. वो माइंडसेट में कैसे उसी का अच्छा से पढ़ना लिखना करना सकेगा, ये हमारी चैलेंज है. एंड इसी के लिए हम लोग को समझाना पड़ता है वो लोग कैसे, क्या क्या चीज़ उसी का दरकार है. Without compromising any values, we will try to accommodate everything. Sir, आने वाले वर्षों में मतलब जो भी आ रहे हैं, तो आप university को कहाँ देख रहे हैं, मतलब आपका vision sir? आने वाले वर्षों में हम लोग, मेरे vision है AMITY University. It's not only AMITY University Kolkata, AMITY University as a whole. प्रतिटी स्टेट में एक AMITY यूनिवर्सिटी होना, और इंटरनेशनली इन अदर कंट्रीज ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव यूनिवर्सिटी कैंपसेस. अभी तो दुबई में हो गया, अभी USA में हो रहे हैं, हॉलैंड में हो रहे हैं. सिमिलरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड AMITY यूनिवर्सिटी विल बी देयर. एंड देन व्हाट विल बी द गुड थिंग, that our students can go over there, our students can actually participate for one semester in another university, global universities. So in that way there will be mixing, and that mixing will develop our culture, our strength and our education. सर यहाँ मतलब ये कोलकाता कैंपस को लेकर भी कुछ और हैं आपके, मतलब इसके और डेवलपमेंट को लेके या फिर और कोर्सेज इसमें इंक्लूड करने के इन फ्यूचर सर, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? अभी तो इमीडिएटली हमारा PhD प्रोग्राम चालू हो जाएगा, तो स्टूडेंट को जो PhD प्रोग्राम के लिए इंटरेस्ट है वो चालू हो जाएगा. या पर स्पेशल प्रोग्राम विजुअल आर्ट्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, सोलर एनर्जी, इसी के लिए प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा. ये सब कुछ के लिए ये चलेगा, और ये चलेगा न्यू कोर्सेज. इट वी विल डिज़ाइन द न्यू कोर्सेज अकॉर्डिंग टू द डिमांड वी रिसीव फ्रॉम द गार्डियंस. सर कुछ स्टूडेंट्स अगर आप टिप्स देना चाहें, मतलब जो यहाँ पर आना चाहते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, कुछ उनको अगर आप टिप्स देना चाहें तो क्या? हमारे जो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू AMITY यूनिवर्सिटी कोलकाता, I want that they should actually
be very serious about what they want to do. They should pick up the subject which they love. It is not that because of some social pressure they will take subjects which are different from what they love. Whatever the subjects they love, they can study those subjects in our university, and we will make them suitable so that they could flourish in such a way. वो बाहर की दुनिया में वो लोग सबसे अच्छा बनेगा। सर कैंपसिंग को लेकर मतलब जो उसको लेकर यहाँ पे किस तरह की कैंपसिंग दी जाती है स्टूडेंट्स को सर, अगर इस बारे में थोड़ा आप बताएं डिटेल्स। हमारे यहाँ पर तो नेक्स्ट ईयर के बाद कैंपसिंग के थिंग चालू होगा मीन्स आवर फर्स्ट इंजीनियरिंग बैच विल कम आउट इन द नेक्स्ट ईयर ओनली, बट वी ऑलरेडी स्टार्टेड, वी हैव आवर दिस प्लेसमेंट टीम हु आर वर्किंग विथ इट। हम आपको बोल अभी तो आपको इन्फॉर्म किया था, हमारा ग्रूमिंग सेशन, आवर कम्युनिकेशन स्किल सेशन, आवर अदर फॉर प्लेसमेंट पर्पस इंडस्ट्री रेडीनेस हम लोग चालू कर दिया। सो होपफुली वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड कैंपस। तो हमने ये सारी बातें जानी आज सर से। सर मैं सर को इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगी। सर ने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट को इससे बहुत लाभ पहुँचेगा। सर थैंक यू सो मच सर।